अब हुई है अनलॉक। अब देखो ये सिस्टम है, इसके अंदर इतना टाइम लगा, 10 मिनट खराब कर दी चक्कर में। तो आज के इस वीडियो में लेके आया हूं मैं ओला S1X Plus वेरिएंट है, जो कि कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। 90,000 रुपए इसकी एक्सशोरूम प्राइस है। और ये स्कूटर बस अब डिलीवरी लेके ही हम लोग आए हैं इसकी, तो मेरा फ्रेंड अक्रम उसने ये स्कूटी ली है। और अब स्कूटर कहें स्कूटी कहें उससे क्या फर्क पड़ता है, अपन बात करने वाले हैं मेन मुद्दे की। सो खमागड़ी दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे, मेरा नाम है अंकुश शेखावत। और इस वीडियो में ना इस स्कूटर की अच्छी चीजें साथ में बुरी चीजें उन सब के बारे में बात करेंगे। और कैसा है ये, इसकी रेंज कितनी है, कौन से मोड में कितनी रेंज देता है वो मैं बताऊंगा, सर्विस रिलेटेड कुछ चीजें होंगी तो वो मैं बताऊंगा, प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट, उन सब की डिटेल जो है इस वीडियो में बात करेंगे। और एक स्कूटी अगर आप लेते हैं, इलेक्ट्रिक लेते हैं, तो उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है, उन सब के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आप लेने का प्लान करें तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा। प्राइस इसकी है 89,999 रुपए, 90,000 रुपीज इसकी एक्शोरूम प्राइस है। ऑन रोड जयपुर राजस्थान में आती 101,000 रुपए की। 20,000 रुपए का अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं, 81,000 रुपए का आप लोन करवाते हैं, 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में ये मैं रिड्यूसिंग ले रहा हूं, तो इतनी जो है 1 से लेकर 4 साल की ईएमआई आती है, जो आप एक बार पोज करके देख सकते हैं। और अभी जस्ट इसकी डिलीवरी ली है, तो मिलता क्या है उसकी बात कर लेते हैं अब आगे। ये अच्छा है कि एकदम पतली सी बॉडी है तो अच्छी लगती है। इंडिकेटर दिखा देता हूं, ऐसे जो है इंडिकेटर चलता है और बीप बीप की आवाज आती है। ये इसकी हेडलाइट है सिंगल वाली, और डबल वाली दबाते ये दोनों हेडलाइट जल जाती हैं। उसी के बाद में वापस जिस तरफ का आपने इंडिकेटर दिया है उसी बटन को दोबारा दबाना पड़ेगा, तब बंद हो जाएगी। स्टील वाली जो है इसकी रिम है। अब इसमें स्टील है पतला सा, इतना मोटा, लगभग देख रहे होगा इतना मोटा है ये। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सस्पेंशन जो है उसको इम्प्रूव कर दिया है। सस्पेंशन बहुत गंदा था, बहुत बड़ा टूटता था। मैंने लास्ट बार S1 Pro चलाई थी, मेरा मन नहीं करता उसको चलाने का, और ये स्टडी हो गया। और इसके अंदर मोटर जो है पीछे की तरफ लगी हुई है टायर के अंदर ही, और इस तरफ जो है इसकी बैटरी वैटरी का जो मैकेनिज्म है वो इस तरफ है। अभी डिलीवरी ली है, तो डिलीवरी लेने के बाद में मिला क्या क्या है ये तो देखो, डॉक्यूमेंटेशन हो गए। एक जो है ये चार्जर आ गया इसका। अब इस वाले वेरियंट में जो चार्जर आता है ये 500 किलोवाट का चार्जर आता है, जिससे ये जो स्कूटी है चार्ज होने में लगाती है लगभग 7.5 घंटा, जैसा शोरूम वाले ने कहा है। इसके अंदर कुछ छोटी मोटी और चीज़ें हैं, ये मिरर है इसके जो लगे हुए नहीं है क्योंकि अभी डिलीवरी ली है इसलिए। और इसके बाद में यहाँ पे एक ये ऐसा हेलमेट दिया है, बहुत घटिया हेलमेट है, सही बता रहा हूँ। एल साइज लिखा हुआ है, ओला लिखा हुआ है इस पे, और क्वालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, बट मोस्टली सारी कंपनी ऐसा ही हेलमेट देती है। तो ये एक छोटा सा हेलमेट बच्चों को लग जाएगा ऐसा हेलमेट है, बाकी तो कुछ खास है नहीं इस हेलमेट में। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि बूट स्पेस बड़ा है, आपका काफ़ी सामान इसमें आ जाएगा, चार्जर रखने के बाद में हेलमेट आराम से आ सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं देखो ओला S1 X Plus में दी गई हैं। और वैसे देखा जाए तो देखो, ये किलोमीटर की बात करें ना, तो आपका लगभग 25 से 27 पैसा पर किलोमीटर चलता है, तो वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, कि पेट्रोल लें या इलेक्ट्रिक लें, उन दोनों का कंपेरिजन मैंने किया था। अब ये आपके सामने है कि कहीं ना कहीं ये बैटरी बैठती है, इसलिए इस वाली स्कूटी को लेना चाहिए। और इसलिए जो है अक्रम ने भी ये वाली स्कूटी ली है कि भाई अभी जो है पेट्रोल की सेविंग होगी, क्योंकि आप 1,25,000 की स्कूटी लेते हो, 3 से 4 हज़ार रुपये की आप उसके अंदर EMI करवाते हो, फिर उसके बाद में 2,500 महीने का पेट्रोल फूकते हो। उससे अच्छा है कि इसके अंदर जो है आप स्कूटी लो, 5,000 रुपये की EMI करो, और 1 से 1.25 साल में लोन उतार के ख़त्म, तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बच जाता है। पहले जो है एक यहाँ पे ही आता था, बीच में बम्प आता था कि कुछ सामान ही नहीं रख पाते थे ओला के अंदर, तो वो हटा दिया गया है, तो वो भी एक जो है इसके अंदर चेंज दिया गया है। इस ओला के अंदर ना हमें सबसे बड़ी दिक्कत यह लगी कि हम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे और ये अनलॉक हो ही नहीं रही थी करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद में भी। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ओल्ड एज का बंदा जिसको इतना नॉलेज ना हो, तो वो तो फंस ही जाएगा, वो तो अटक ही जाएगा कहीं पे, तो ये मुझे थोड़ा सा इशू लगा। इसकी जगह पे अगर चाबी दे दी जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। हमने काफ़ी देर तक ट्राई की बट खुला ही नहीं है। फिर शोरूम में भी पता करा तो बताया कि 2 से 3 बार आप इसको जो फुल चार्ज कर लोगे डिस्चार्ज करने के बाद में, तो शायद ये समस्या दोबारा ना आए। अब पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है, बट अगर ऐसी समस्या आगे भी आती है तो ये तो देखो बहुत बड़ी समस्या है इसके साथ में। अनलॉक ही नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं कर रहा था ना, हैंडल लॉक काम कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर इसको जो है रिबूट करना पड़ा, रिबूट के लिए R वाला बटन और ये पावर वाला बटन दोनों साथ में दबा के रखना पड़ा, तब जाके ये रिबूट हुई है। अभी इसमें ओला ही ओला आ रहा है पिछले 2 मिनट से, देखते हैं कि देर में रिबूट होती है। अब हो चुकी है, अब मैं वापस से पासकोड डालता हूँ इसमें। और ये भी जो है सर्विस सेंटर में फ़ोन करके पूछना पड़ा, मतलब शोरूम में,
कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है, अब हुई है अनलॉक। अब देख करो ये सिस्टम है, इसके अंदर इतना टाइम लगा, 10 मिनट खराब कर दी चक्कर में, है ना। तो अभी 7 किलोमीटर चली हुई है, 91% बैटरी दिखा रहा है, 92 किलोमीटर चलेगी। पार्क मोड है ये, तो मैं मोड चेंज करता हूँ। यहाँ से आप मोड चेंज करेंगे तो दोनों ब्रेक साथ में छोड़ने पड़ेंगे क्या? देखा एक बार अक्रम, एक बार भाई, ये पार्क मोड है, चलना पार्क से में करनी पड़ेगी, दबा लिया है संदीप, ब्रेक दबाए रखे हैं, मोड का तो यही तो है। पहले पार्क तो चेंज तो कर, पार्क में पार्क दिखा लगा, पार्क दिखा रखी है, अब चला हाथ को ना, मैं मोड बुदा बटन दबा दियो, उनको नहीं हो, पहले ने पार्क को हटाना पड़ेगा। हां तो साइड स्टैंड हटा रखे है, अब तो बंद हो गई, होल्ड ब्रेक ऑन तो काम कर रहा है, सारो करेगा पार्क। भाई एक बात तो कंफर्म कहनी पड़ेगी, अगर जिसको टैक्स सेवी नहीं है ना वो बंदा इसको चला नहीं सकता भाई, बहुत मुश्किल है। पार्क मोड, फलाना मोड, भाई चाबी लगाओ चलो यार, वो फ्रीडम जो है ना अभी तक इलेक्ट्रिक में तो नहीं है। अब पार्क में चल गई हुई है भाई, कैसे लगेगा? दबा तो रखा है, ये ब्रेक छोड़ दिए, ये कर दिए सारे काम, नॉर्मल मोड। अब आइए पावर बटन से मैंने चालू किया ना, तब जाके आइए, और अभी ये नॉर्मल मोड में है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मान के चलो आप चला रहे हो इसको, हल्का सा ब्रेक पे हाथ है ऐसे, तो कितना एक्सीलरेट कर लो चलेगी नहीं, बिल्कुल हटाना पड़ेगा और फिर एक्सीलरेट करना पड़ेगा तब चलेगी। और रिवर्स मोड इसमें है ही, रिवर्स मोड में इसको आर बटन को दबाना पड़ेगा, ये जो इसका एक्सीलरेटर है इसको उल्टा घुमाना पड़ेगा रिस्ट को ऐसे, और बूट भी यहीं से ओपन होगा इसी बटन से, और रिवर्स भी इधर से लगेगी। ये मैंने किया तो ये उल्टी चल पड़ी, 3 किलोमीटर तक की स्पीड पे जाएगी। ये रिवर्स का सिस्टम है, रिवर्स दोबारा दबा दो नॉर्मल मोड में आ गई। और ये जो है स्कूटी, इसमें इको मोड आता है, इको मोड में ये चलती है 42-43 की स्पीड पे और 125 किलोमीटर चलेगी। और फिर बारी आती है इसकी नॉर्मल मोड की, 100 किलोमीटर की रेंज आ जाती है और 70 की स्पीड तक चलेगी। और उसके बाद में स्पोर्ट्स मोड में जैसे जाओगे तो इसमें दिखा रहा है 87, मतलब 100% बैटरी में 85 किलोमीटर चलती है, और उसके अंदर स्पीड आपकी 90 हो जाती है। लेकिन उस मोड में चलाने में इसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और भाई सर्विस की जो बात है ना, इसमें सर्विस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओला वाला कह रहे हैं कि भाई जब सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है, आप चलाए जाओ, कोई जब तक दिक्कत ना आए जब तक मत आना, आराम से चलाओ इसको, सिर्फ ब्रेक पैड चेंज करवाने के लिए आ जाना। तो सर्विस की जो समस्याएं हैं वो दूर हो चुकी हैं। और दूसरा जो S1 Pro वेरिएंट है ना, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं, कि उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि पीछे जो है इसमें, देखो इसमें तो डबल सस्पेंशन है, डबल सस्पेंशन है इसके अंदर, में उसमें सिंगल आता है, लेकिन उसके अंदर एक बढ़िया चीज़ ये कर दी कि आगे जो है फ्रंट सस्पेंशन ये वाला टेलीस्कोपिक दे दिया है, तो वो जो सस्पेंशन टूटने वाला सिस्टम था वो भी उसका हट गया है। और जैसा कि मेरा डिस्कशन हुआ था अक्रम के साथ में कि ओला ही क्यों ली, उसके पीछे रीज़न यही था कि 1 लाख के बजट के अंदर कोई भी स्कूटी लेनी है और वो इलेक्ट्रिक हो तो ज़्यादा बेटर है, पेट्रोल लो फिर उसमें पेट्रोल डलाओ तो वो आज के टाइम में उसे सही नहीं लगा। तो उसका माइंडसेट था कि मुझे इलेक्ट्रिक ही लेनी है और 1 लाख के बजट के अंदर अंदर लेनी है। तो ये 1,04,000 की विद एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई। अब इसको इसमें मिला है 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की वारंटी, तो टेंशन फ्री रहेगा 5 साल तक इस स्कूटी के साथ में, इसको चार्ज करो और चलाओ। और मार्केट में कोई भी ऐसी स्कूटी अवेलेबल नहीं है जो 1 लाख रुपए के अंदर ऐसी दिखती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ओला ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और फिट एंड फिनिश भी इसकी थोड़ी अच्छी है अगर आप कंपेयर करेंगे किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट के मुकाबले में। और फिर रेंज भी जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है इस प्राइस के अंदर। ये सब चीज़ें हैं वाकई में जो है ओला ने इसको इम्प्रूव किया है प्रोडक्ट को, बहुत ज़्यादा जो है अभी स्कूटी इम्प्रूव हो गई है, फीचर्स काफ़ी कम है, बट जो कमी लगी कि तो पैनल का गैप था, उसको जो है थोड़ा और अच्छा किया है, तो वो दिख रहा है कि चलो ठीक है, अब अच्छी लग रही है। बाकी चाबी वाली बहुत बड़ी समस्या है, की का कुछ करना चाहिए, जो ये जो सिस्टम है ना, ये बटन दबाओ आगे करो पीछे करो, ओल्ड एज वाला बंदा तो कर ही नहीं सकता, तो जल्दी अगर इसमें चाबी लॉन्च कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है भाई, आज का जो है वीडियो इतना ही था, बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।